नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एजुकेशन जोन। और आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड सिलेबस के बारे में। जी हाँ, मैं आपको डिटेल्स इस वीडियो में सारे सिलेबस के बारे में बताऊंगा, जितने भी कोर्सेज आपके हैं ऑलमोस्ट आपको इसमें सबका जो मिल जाएगा आपके लिए। एक ऐसी पीडीएफ फाइल में यहाँ पर लेके आया हूँ जिसके अंदर जो है आपका संपूर्ण इसमें सिलेबस आई थिंक दिया हुआ है, तो आप उस पीडीएफ को देख लीजिएगा अच्छे से। एंड अब मेरे हिसाब से आपको सिलेबस के बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को आप पूरा देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एंड वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड हर एक न्यूज़ यहाँ पर लेके आता रहता हूँ। एंड आपको किसी भी टॉपिक से, जैसे कि जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम से किसी विशेष सिलेबस विशेष सब्जेक्ट से अगर आपको कोई वीडियो देखना हो तो आप हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे एक प्ले लिस्ट बनी हुई है जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसके अंदर आपको जेएनयू से रिलेटेड ही वीडियो मिलेंगे। आप उस प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो तो आपको वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा दोस्तों और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये एक वेबसाइट है जिसके ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे सिलेबस इसमें वेबसाइट में दिया गया है, तो आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। तो चलिए देखते हैं जैसे इन सारे सब्जेक्ट का क्या है। यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, जैसे इंग्लिश, जियोग्राफी है ना, लिटरेचर, इन सब के मिल जाएंगे। हिस्ट्री है, पोलिटिकल साइंस, ये लाइफ साइंस, इकोनॉमिक्स, बी ए पोलिटिकल्स, ये लॉ, एजुकेशन स्टडी, आर्ट्स, टली, इनसे मतलब सबका मिल जाएगा आपको। एक मिनट, हाँ अच्छा यहीं से स्टार्ट है, सॉरी। जैसे कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो यहाँ पे इस वेबसाइट पे दिया गया है, तो आप यहाँ से देख सकते हो अच्छे से। ये देखिए सारी चीज़ें इसमें दी गई है, ये देखिए आप इसमें दिया गया है। फिर अब दूसरा सब्जेक्ट आ चुका है यहाँ से, तो आप इसका भी देखिएगा। जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, फिर दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया है तो उसका सिलेबस देख लीजिएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए दूसरा सब्जेक्ट, ये एमए सोशोलॉजी से है। हाँ मेरे एक सॉरी मेरे वीडियो पे काफ़ी कमेंट आए थे एमए सोशोलॉजी को लेके कि सर इसका सिलेबस एंड इसके बारे में कैसे तैयारी करें कुछ बताइए, तो आप सोशोलॉजी वाले स्टूडेंट जरूर ध्यान दें, यहाँ से उनका सिलेबस मिल जाएगा। अब देख लीजिएगा, मैं वीडियो को जूम कर लेता हूँ। ओके, आप यहाँ से सिलेबस देख लीजिएगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वैसे अलाउड नहीं है लेकिन मैं डाल दूंगा, तो आप यहाँ से देख सकते हो। फिर हिस्ट्री का है, ठीक है, हिस्ट्री में पेपर में जो है ये तीनों ही है, तो आप जिससे करना चाहो उसे, तीनों का सिलेबस में यहाँ पे दिया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए भी देख सकते हो आप इसमें, एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए भी सिलेबस है, देख लीजिएगा आप। जियोग्राफी, पॉपुलेशन स्टडीज, इंग्लिश, एमफिल, ये बीए ऑनर्स वालों के लिए भी इसमें दिया गया है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। ये देखिए
MCA। इनके पुराने पेपर सॉलिड पेपर भी अवेलेबल है मार्केट में, तो इनका लिंक दिया गया है, आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। एजुकेशन स्टडीज़, एम ए फिलोसोफी, अगर आप फिलोसोफी से करना चाहते हो, काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, तो इसका पैटर्न भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों इसके अंदर काफ़ी दिया है, आप देख लेना, डिटेल से मैं इस वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा, या फिर आप देखिए यहाँ पे नोटिस कर सकते हो वेबसाइट को। ये देखिए ये वेबसाइट यहाँ से है, आप देख लेना इसको, अच्छे से हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से आप वेबसाइट को देख सकते हो। तो चलिए वो पीडीएफ बताता हूँ मैं, जिस जिस पीडीएफ से आप को जो है सिलेबस देखना है। और एक थोड़ा सा यहाँ और देख लेते दोस्तों, ये एक वेबसाइट है करियर 360, ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, इस पे भी आपको जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी अच्छी न्यूज मिल जाएगी, फैक्ट मिलते हैं यहाँ पे भी, तो आप इस वेबसाइट को भी देख सकते हो। इस पे भी एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह दिया हुआ है, किस तरह से आपका एग्ज़ाम होना है इस बार, और पूरी डिटेल से इसमें दिया है, तो आप इस वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो, एंड यहाँ से भी आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी, तो आप यहाँ पे जाके इसको भी देख लेना, अगर आपको देखना हो तो एक बार, मेरे हिसाब से तो आप इसको देख लेना। इसमें एग्ज़ाम पैटर्न नए हिसाब से दिया हुआ है, जो अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि मई में एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इस वेबसाइट को अपडेट किया गया है, काफ़ी अच्छे इसमें डेटा डाले गए हैं, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हो। चलिए वो पीडीएफ देखते हैं। तो दोस्तों ये है वो पीडीएफ, देख सकते हो जेन्यू सिलेबस। इस पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो और नीचे से इसको देख सकते हो। तो इसमें देखिए जैसे सिलेबस इसमें दिया हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ इसमें सिलेबस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ना, तो इसमें ये देख लीजिएगा, ये बीए होनर्स वालों के लिए है, और इसमें दिया हुआ है, आगे भी दिया हुआ है, जैसे सबके बारे में इसमें मिल जाएगा आपको। ये यूजी पीजी सबके लिए है इसमें, ये देखिए इंग्लिश वालों के लिए है, तो इधर दिया हुआ है, तो इधर आप देख सकते हो मास्टर ऑफ आर्ट्स इसमें सब्जेक्ट है वो दिए गए हैं, एंड इनका सिलेबस भी आपको मिल जाएगा। आई थिंक मेरे हिसाब से ये पीडीएफ आपके काफ़ी यूजफुल होने वाली है, तो आप इस पीडीएफ को अच्छे से देख लेना, काफ़ी कुछ इसमें दिया गया है, मैं आपको यहाँ पे जो है डिटेल से अगर बताऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा बन जाएगा, और मेरे हिसाब से आज वाला वीडियो तो काफ़ी ज़्यादा लंबा बन चुका है। वैसे भी आप लोग कहते हो सर वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा मत बनाया करो, इसलिए वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, एंड आप इस पीडीएफ को देख लीजिएगा, पीडीएफ को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।